नमस्कार दोस्तों, आपका आरएस नर्सिंग केयर रिपोर्ट में फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने पार्ट फोर, जिसमें यूपी एनएचएम, एमपी एनएचएम, बिहार एनएचएम के एग्जाम एमसीक्यू लेके आया हूँ, जो एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्लास रहेगी वो रेगुलर क्लास रहेगी, और हम आपको वन लाइनर क्वेश्चन जल्दी प्रोवाइड करेंगे, क्लियर। वन लाइन क्वेश्चन आपको जल्दी प्रोवाइड करें ताकि आपको एग्जाम से मैक्सिमम हेल्प मिल सके। तो जो क्लास है वो UPNHM और MPNHM और BRCHO के लिए स्पेशल क्लास है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक शॉक आर, जो हाइपोग्लाइसेमिक शॉक होता है उसके सिम्टम क्या क्या होते हैं। ए ऑप्शन है ट्रीमर, बी ऑप्शन है नर्वसनेस, सी ऑप्शन है हंगर एंड लो बीपी, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। हमको करेक्ट आंसर क्या है इसमें, बात करते हैं लो बीपी को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन। तो ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, बीपी होता है ब्लड प्रेशर। अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो 120/80 mmHg। अगर बात करता हूँ मैं किलोपास्कल के अंदर नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 16/11 किलोपास्कल के अंदर ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। तो इस क्वेश्चन ने पूछा है कि हाइपोग्लाइसेमिक शॉक होता है उसके साइन कौन कौन से होते हैं, सिम्टम कौन कौन से होते हैं। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, डी इज़ द करेक्ट आंसर। जो ट्रीमर, नर्वसनेस एंड हंगर एंड लो बीपी, ये सारे सिम्टम किसके होते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक शॉक के सिम्टम होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ स्नेक बाइट, ये इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या होगा स्नेक बाइट का। अगर किसी पर्सन को स्नेक ने बाइट कर लिया तो उसका इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या होगा। ए ऑप्शन है डू नॉट कवर द बुंड, कि बुंड को कवर नहीं करना है। बी ऑप्शन कवर द बुंड विद स्टेराइल बैंडेज और क्लोथ्स। सी ऑप्शन है डू नॉट यूज रनिंग वाटर। डी ऑप्शन है अप्लाई द आइस। देखिए, डू नॉट कवर द बुंड को ए ऑप्शन बोल रहा है कि बुंड को हम कवर नहीं करना, जो गलत बात है, हमेशा बुंड को कवर करके रखना है। बी ऑप्शन है कवर द बुंड विद स्टेराइल बैंडेज और क्लोथ, जो बुंड है उसको कवर करना है स्टेराइल बैंडेज से और क्लोथ से, बिल्कुल सही बात है। डी सी ऑप्शन है डू नॉट यूज रनिंग वाटर, हम रनिंग वाटर का यूज करते हैं तो यहाँ पर डू नॉट लिख रहा है तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। डी ऑप्शन है अप्लाई द आइस कभी अप्लाई नहीं करते हैं, क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कवर द बुंड विद स्टेराइल बैंडेज और क्लोथ। अगर किसी को स्नेक ने बाइट कर लिया है तो हम स्टेराइल बुंड को कवर करते हैं स्टेराइल बैंडेज से क्लोथ से उसको कवर करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज़ द साइन एंड सिम्टम ऑफ पॉइजनिंग, साइन एंड सिम्टम क्या है पॉइजनिंग के। ए ऑप्शन है हमारे पास वॉमिटिंग, ड्राउजीनेस, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सीजर। बी ऑप्शन लैक ऑफ स्लीप, सी ऑप्शन है स्टॉप ब्रीथिंग, डी ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। बात करते हैं वॉमिटिंग हमेशा रखना, जो वॉमिटिंग होता है वो क्या करवाता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस करता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग को हम क्या बोलते हैं, डिस्निया, डिफिकल्टी ब्रीथ को डिस्निया बोलते हैं। सीजर, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होने लगते हैं, वॉलेंट्री मसल्स के अंदर इनवॉलेंट्री मूवमेंट होने लगते हैं। लैक ऑफ स्लीप, सी ऑप्शन है स्टॉप ब्रीथिंग को हम बोलते हैं एपनिया, ब्रीथिंग स्टॉप हो उसके अपने बोलते हैं, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन पूछा है पॉइजनिंग के क्या क्या सिम्टम होंगे, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर, वॉमिटिंग, ड्राउजीनेस, डिफिकल्टी ब्रीथिंग एंड सीजर, ये पॉइजनिंग के सिम्टम होते हैं, क्लियर। आइयो, वीडियो पसंद आ रही होगी, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर करना ना भूले। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेज ऑफ शॉक की स्टेज कितनी होती है। ए ऑप्शन है 4 स्टेज, बी ऑप्शन है 3 स्टेज, सी ऑप्शन 10 स्टेज, डी ऑप्शन है 5 स्टेज।
अगर आप बात करते हैं करेक्ट आंसर की तो फोर स्टेज इज द करेक्ट आंसर। सॉप की फोर स्टेज होती है। अब बात करते हैं कौन कौन सी फोर स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज होती है हाइपोबोलेमिक स्टेज। सेकंड बात करता हूँ मैं कार्डियोजेनिक स्टेज। थर्ड ऑप्शन की बात करता हूँ वो है डिस्ट्रीब्यूटिव स्टेज। फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं न्यूरोजेनिक स्टेज। ये चार स्टेज होती है शॉक की। याद रखना शॉक के अंदर दो सिम्टम आते हैं, क्या आते हैं, टेकीकार्डिया एंड हाइपोटेंशन। ये शॉक के सिम्टम होते हैं। लेकिन जो न्यूरोजेनिक शॉक होता है इसमें सवाल होता है, इसमें बनता है, इसमें ब्रेडीकार्डिया के साथ हाइपोटेंशन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रेडीकार्डिया के साथ क्या होता है, हाइपोटेंशन। देखिए बाकी सब में क्या होते हैं, वो हाइपोवोलेमिक को कार्डियोजेनिक को डिस्ट्रीब्यूटर को सब टेकीकार्डिया के साथ हाइपोटेंशन। लेकिन न्यूरोजेनिक के अंदर ब्रेडीकार्डिया हो सकता है या फिर टेकीकार्डिया भी हो सकता है। टेकीकार्डिया मोस्टली सवाल ब्रेडीकार्डिया से पूछा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, चार स्टेज होती है, हाइपोवोलेमिक कार्डियोजेनिक डिस्ट्रीब्यूटिव और न्यूरोजेनिक स्टेज होती है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मेजर इफेक्ट ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर का मेजर इफेक्ट क्या होगा। ए ऑप्शन है पेन, पेशेंट को पेन होता है, पेन होता है। बी ऑप्शन डैमेज ऑफ द टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स, जो टिश्यू होते हैं वो ब्लड वेसल्स होते हैं वो डैमेज होते हैं। सी ऑप्शन है ब्लीडिंग एंड शॉक, ब्लीडिंग होने लगती है और शॉक होने लगता है, शॉक होता है। क्लियर, नेक्स्ट ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो बात करते हैं टिश्यू क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं सेल, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। अब बहुत सारी सेल मिलके क्या बनाती है, मोर सेल मिक्सअप होकर क्या बनाएगी, टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, सिस्टम। और बहुत सारे सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, बॉडी। क्लियर, देन ब्लीडिंग और शॉक, ये सारे पेन डैमेज ऑफ टिश्यू ब्लड वेसल ब्लीडिंग एंड शॉक, ये सारे इफेक्ट होते हैं किसके, फ्रैक्चर के। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो ये चारों थ्री ऑप्शन राइट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन व्हेन केयरिंग फॉर ओपन ब्लीडिंग वुंड। आप क्वेश्चन कह रहा है हाउ कैन यू रिड्यूस, आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं डिजीज को ट्रांसमिट होने से प्रिवेंट करने के लिए। जब हम पेशेंट की केयर करते हैं ओपन केयर, ओपन पेशेंट की हम केयर कर रहे हैं ओपन ब्लीडिंग बॉडी की। ये ऑप्शन है वॉश योर हैंड्स इमीडिएटली आफ्टर गिविंग केयर, हम हैंड को वॉश करते हैं केयर देने के बाद। बी ऑप्शन अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद ब्लड, हमें अवॉइड करना है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ब्लड के आने से। सी ऑप्शन यूज प्रोटेक्टिव वेरियर सच एज ग्लव्स और प्लास्टिक रैप। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। अब क्वेश्चन में पूछा है कि हम जो पेशेंट है उसको बुंड है और उससे डिजीज को रिड्यूस करने के लिए कि डिजीज ज़्यादा ट्रांसमिट नहीं हो। क्लियर, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या क्या चीज़ को हम क्या करेंगे। तो याद बिल्कुल करेक्ट बात है, वॉश योर हैंड्स इमीडिएटली आफ्टर गिविंग केयर, बिफोर एंड आफ्टर गिविंग केयर हम हैंड वॉशिंग करते हैं। और बात करते हैं हैंड वॉशिंग होती है उसकी कितनी स्टेप होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, सेवन स्टेप होती है।
ये होती है मेडिकल वाली, मेडिकल की। बात करते हैं सर्जिकल, सर्जिकल की वॉशिंग की स्टेप कितनी होती है, वो होती है 8। क्लियर। तो हम बिफोर पेशेंट को टच करने से पहले, टच करने के बाद हम हैंड वॉश करते हैं। अवॉइड करने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ब्लड, अवॉइड करना होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मन से, सी ऑप्शन है। यूज प्रोटेक्ट बैरियर का यूज़ करते हैं, ग्लव्स का भी और प्लास्टिक रैप का भी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट स्टेप वेन केयरिंग फॉर ए ब्लीडिंग वुंड, कौन फर्स्ट स्टेप क्या होगी जब पेशेंट की केयर करते हैं ब्लीडिंग वुंड की। ये ऑप्शन है अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर विद ए क्लीन और स्टराइल ड्रेसिंग, हम डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करेंगे विद क्लीन और स्टराइल ड्रेसिंग करेंगे। बी ऑप्शन है अप्लाई प्रेशर एट द प्रेशर पॉइंट पर प्रेशर अप्लाई करेंगे। सी ऑप्शन है एड बुल्की ड्रेसिंग एंड रीइंफोर्स ब्लड सॉफ्ट बैंडेज। डी ऑप्शन है एलिवेट द वुंड। तो हमेशा रखना, जब किसी पेशेंट की ब्लीडिंग कंटिन्यूस हो रही है तो अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर, हमेशा अप्लाई करना होता है डायरेक्ट प्रेशर। क्लियर। तो ए ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन क्या है, एलिवेट द बुंड। तो बिल्कुल गलत बात है, हम जो बुंड उसको एलिवेट नहीं करेंगे। सी ऑप्शन है एड बुल की ड्रेसिंग री इन्फोर्स ब्लड सॉक, कि उस पर ड्रेसिंग डाल दो और वहाँ पर उसको सॉक, ब्लड को सॉक करो। बिल्कुल गलत बात है, तो ब्लीडिंग होती रहेगी, ये भी गलत बात हो गई। अप्लाई प्रेशर द प्रेशर पॉइंट, प्रेशर पॉइंट पर प्रेशर अप्लाई नहीं करते, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पर प्रेशर अप्लाई करते हैं। बी ऑप्शन गलत होगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट, हम अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करते हैं और जो क्लीन और स्टरलाइज ड्रेसिंग करते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन पर्सन एक्सपीरियंसिंग हीट रिलेटेड इलनेस, कि हम क्या पर्सन एक्सपीरियंस कर रहा है किसकी हीट रिलेटेड इलनेस की, तो क्या करेंगे। ये ऑप्शन कीप द विक्टिम वार्म, जो बिल्कुल गलत वो खोटी बात है, हम पेशेंट ऑलरेडी हीट में है, वार्म है, हम उसको वार्म नहीं और ज़्यादा वार्म नहीं करेंगे। बी ऑप्शन फोर्स द विक्टिम टू ड्रिंक, पेशेंट को फोर्स करना है, बी ऑप्शन बोल रहा है पेशेंट को फोर्स करो कि आप मोर फ्लूड को ड्रिंक करो, तो बिल्कुल बात कभी पेशेंट को फोर्स नहीं करते। तो डी ऑप्शन भी, ऑप्शन सी बोल रहा है अप्लाई ए कोल्ड पैक, बिल्कुल सही बात है, हम जो पेशेंट होता है उसको कोल्ड पैक अप्लाई करते हैं। डी ऑप्शन है ए एंड सी, तो बिल्कुल गलत बात है क्योंकि विक्टिम को वार्म नहीं करते हैं। क्लियर। तो सी इज द करेक्ट आंसर, हमेशा कोल्ड को कोल्ड पैक होता है उसको अप्लाई करते हैं अगर पेशेंट कैसा है वार्म है। क्वेश्चन में यही पूछा हीट रिलेटेड इलनेस है, मतलब पेशेंट वार्म है तो उस कंडीशन में हम कोल्ड पैक को अप्लाई करते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन परफॉर्मिंग CPR ऑन अडल्ट, हम जो पर्सन होता है CPR परफॉर्म कर रहे हैं अडल्ट का, तो हाउ डीप शुड द चेस्ट कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन कितना देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है 1.5 इंच, बी ऑप्शन है 2 इंच, सी ऑप्शन है 2.5 इंच, सी ऑप्शन 3 इंच। अगर आप बात करें इसमें अडल्ट का पूछा है, अडल्ट के लिए हमें से कितना रहता है 2 इंच इज द करेक्ट आंसर, 2 इंच अडल्ट के लिए 2 इंच इज द करेक्ट आंसर। वहीं बात करते हैं चिल्ड्रन के लिए कितना आंसर सही होगा, एक चिल्ड्रन होता है उसके लिए हम 1 से 1.5 इंच, 1 से 1.5 इंच ये चिल्ड्रन के लिए होता है। बात करते हैं जो अडल्ट होता है उसमें CPR के हम कौन सी पल्स चेक करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम कैरोटिड पल्स चेक करते हैं कितने टाइम के लिए करते हैं, 10 सेकंड के लिए। क्लियर। 10 सेकंड के लिए पल्स चेक करते हैं। क्लियर। हम 10 सेकंड क्या करते हैं, 10 सेकंड हम सक्शन भी करते हैं, किसी पेशेंट को सक्शन करना है तो उसका टाइम भी कितना होता है, 10 सेकंड टाइम होता है। क्लियर। करेक्ट आंसर क्या होगा, वी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन 8-year-old चाइल्ड इज अनकॉन्शियस, एक 8 साल का बच्चा है अनकॉन्शियस है एंड द एयरवे इज लॉक्ड, एयरवे क्या है उसका लॉक्ड है, तो हम क्या करेंगे,
गिव एब्डोमिनल थ्रस्ट, बी ऑप्शन है बिगिन सीपीआर, सी एडमिनिस्टर द विक्टिम इंसुलिन, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, कि अनकॉन्शियस पेशेंट है, उस 8 साल का बच्चा, उसके लिए क्या करेंगे। तो इंसुलिन देने से कुछ नहीं होगा, तो सी इज रॉन्ग हो गया, इंसुलिन हम क्यों देंगे, कोई इसका कोई रीजन नहीं है। क्लियर। देन बिगिन सीपीआर, सीपीआर नहीं करते हैं अगर पेशेंट को एयरवे लॉक्ड हुआ है तो। सीपीआर के बारे में बात बताया तो मैंने, जो अडल्ट होता है उसके अंदर सीपीआर कितना देते हैं, अडल्ट के अंदर सीपीआर 30:2 के हिसाब से देते हैं। क्लियर। देन हम इसका करेक्ट आंसर होगा ए, जब पेशेंट है अनकॉन्शियस एयरवे लॉक्ड हो गया तो एब्डोमिनल थ्रस्ट देंगे हम, कितने 8 साल के बच्चे को एब्डोमिनल थ्रस्ट देते हैं, तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 3 basic steps यू कैन टेक एमरजेंसी। एमरजेंसी के अंदर हम 3 steps, 3 steps अप्लाई करते हैं, वो 3 steps कौन कौन सी होती है, 3 steps कौन कौन सी होती है एमरजेंसी के अंदर। ए ऑप्शन है कॉल चेक एंड, कॉल चेक एंड केयर, बी ऑप्शन चेक कॉल केयर, सी ऑप्शन रिकॉग्नाइज डिसाइड कॉल, डी ऑप्शन डिसाइड एग्जीक्यूट कॉल। अब बात करते हैं तो हमेशा रखना पहले कॉल नहीं करते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन चेक करते हैं, कॉल करते हैं, केयर करते हैं, बिल्कुल सही बात है। रिकॉग्नाइज डिसाइड एंड कॉल, बहुत टाइम लग जाएगा तो ये भी रॉन्ग आंसर, डिसाइड एग्जीक्यूट कॉल ये भी रॉन्ग आंसर है। करेक्ट आंसर को चेक कॉल एंड केस एंड केयर, अगर पेशेंट कहीं पड़ा हुआ मिला है तो हम सबसे पहले उसको चेक करते हैं कि पेशेंट रेस्पॉन्सिव है अनरेस्पॉन्सिव है, उसके बाद एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। क्लियर। देन हम उसकी केयर करते हैं। क्लियर। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से, चेक कॉल एंड केयर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज द फर्स्ट थिंग्स यू शुड डू फॉर समवन सस्पेक्ट हैज इलेक्ट्रिकल बर्न। अगर कोई पेशेंट, हम फर्स्ट थिंग्स क्या करेंगे अगर कोई पेशेंट सस्पेक्ट मतलब इलेक्ट्रिकल बर्न का है, इलेक्ट्रिकल बर्न है। ए ऑप्शन चेक द ब्रीथिंग एंड पल्स, पल्स रेट एंड पल्स को और ब्रीथिंग को चेक करेंगे। बी ऑप्शन है चेक सी इलेक्ट्रिसिटी टर्न ऑफ, चेक करेंगे इलेक्ट्रिसिटी ऑफ है नहीं है। सी ऑप्शन चेक द सीवियर ब्लीडिंग, कि हम सीवियर ब्लीडिंग को चेक करेंगे। डी ऑप्शन चेक फॉर शॉक, कि हम शॉक को चेक करेंगे कि पेशेंट शॉक के अंदर तो नहीं गया। क्लियर। तो बात करते हैं, ये ऑप्शन चारों राइट है, लेकिन क्या पूछा, फर्स्ट थिंग्स क्या करेंगे, हमेशा रखना हम सबसे पहले क्या, बी इज़ द करेक्ट आंसर। हम सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को देंगे, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ है या नहीं है, तो हम अगर ऑफ नहीं है, वो ऑन है, तो हम उसको सबसे पहले ऑफ करेंगे। क्लियर। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसे प्रायोरिटी बेस सवाल भी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वुड चेक द पल्स एंड 12-year-old बॉय। हम पल्स को कहाँ चेक करेंगे, 12 साल का बच्चा है तो। एट द इनसाइड ऑफ द आर्म, बिटवीन एल्बो एंड शोल्डर, यहाँ पर होती है ब्रेकियल पल्स, ब्रेकियल पल्स। हम जब बीपी मेजरमेंट करते हैं, बीपी मेजरमेंट करते टाइम हम जो स्टेथोस्कोप पे अप्लाई करते हैं, स्टेथोस्कोप अप्लाई करते हैं, वो ब्रेकियल पल्स पे अप्लाई करते हैं। क्लियर। और जो बीपी कफ होता है उसको 2 inch अबव एंटीकोवाइटल फोसा होता है, उसे 2 inch अबव अप्लाई करते हैं। क्लियर। 2 inch या 5 centimeter अप्लाई कर अबव अप्लाई करता है, जो हमारे जो ब्रेकियल पल्स होते हैं वहाँ पर फोसा होता है, उसको बोलते हैं हम एंटीकोवाइटल फोसा। तो बिल्कुल ये रॉन्ग बात हो गई, तो हम यहाँ पर चेक नहीं करते। एट द साइड ऑफ नेक, यहाँ पर होते हैं कैरोटिड पल्स, तो बिल्कुल सही बात है, हम कैरोटिड पल्स को चेक करेंगे। एट द इनसाइड ऑफ द नेक, कि नेक के इनसाइड हम चेक करेंगे, इनसाइड कोई पल्स नहीं होती है। डी ऑप्शन है बी एंड सी, तो ये भी रॉन्ग बात हो गई, ये भी रॉन्ग बात हो गई। करेक्ट आंसर क्या होगा, साइड ऑफ नेक को पल्स। और बात करते हैं
टोटल पल्स कितने, सबसे पहले बात करते हैं टेम्पोर पल्स, टोटल की बात करते हैं पहले टेम्पोरल पल्स, टेम्पोरल पल्स, देन बात करता हूँ मैं कैरोटिड पल्स, कैरोटिड पल्स के बारे में बता दिया, देन बात करते हैं हम एपाइकल पल्स, एपाइकल पल्स ये मोस्ट एक्यूरेट पल्स होती है, यहाँ पर सब मोस्ट एक्यूरेट पल्स चेक करते हैं जो हार्ट वाले एरिया और लेफ्ट साइड वहाँ पर चेक करते हैं, देन ब्रेकियल पल्स, रेडियल पल्स, देन फीमोरल पल्स, फीमोरल पल्स, डॉर्सलेस पेडिस पल्स, पोपलिटियल पल्स, ये सारी पल्स होती है, क्लियर। तो ये कौन कौन सी पल्स कहाँ से चेक करते हैं आप डायग्राम के हिसाब से देख सकते हो। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, एट द साइड ऑफ द नेक हम पूरे 10 सेकंड के लिए हम चेक करते हैं, कितने टाइम के लिए, 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए चेक करते हैं, क्लियर। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, आप मैगजिम से मैगजिम लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन प्रॉब्लम में टूथ एक होता है, उसमें कॉमन प्रॉब्लम कौन सी होती है, टूथ एक के अंदर कॉमन प्रॉब्लम कौन सी होती है, ए ऑप्शन है स्वेलिंग, बी ऑप्शन है पस फॉर्मेशन, सी है कैविटी, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। कौन प्रॉब्लम टूथ एक की बात कर, स्वेलिंग, पस फॉर्मेशन, कैविटी, तीनों राइट आंसर है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल असेसमेंट ऑफ जॉइंट, जॉइंट का फिजिकल असेसमेंट करना है तो कैसे करेंगे, ये ऑप्शन है इंस्पेक्ट द जॉइंट, जॉइंट को इंस्पेक्ट करेंगे, बिल्कुल सही बात है, चेक द रेंज ऑफ मोशन, रेंज ऑफ मोशन को चेक करते हैं, क्लियर, देन पालपेट एंड परकसन ऑस्कल्टेशन ऑफ जॉइंट, बिल्कुल सही बात है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, हम सबसे पहले इंस्पेक्ट करते हैं, फिर पालपेट परकसन ऑस्कल्टेट करते हैं और रेंज ऑफ मोशन को भी चेक करते हैं, तो डी इज द करेक्ट आंसर, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डियक चेस्ट पेन रिलीव बाई, कार्डियक चेस्ट पेन होता है किससे रिलीव होता है, ये ऑप्शन है रेस्ट या नाइट्रेट, एप्स ऑप्शन नाइट्रेट से, नाइट्रेट्स, बी ऑप्शन स्लीप एंड रेस्ट, सी ऑप्शन एंटासिड, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। जो कार्डियक चेस्ट पेन होता है उसको हम रेस्ट एंड नाइट्रेट से, रेस्ट दे देंगे और नाइट्रेट से हम रिलीव कर सकते हैं, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परफॉर्म एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्म एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, तो हम क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, ऑस्कल्टेशन करेंगे, परकसन करेंगे, पाल्पेशन करेंगे, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो यार कम, जब हम नॉर्मल की बात करते हैं, नॉर्मल तरीके से हम सबसे पहले इंस्पेक्शन करते हैं फिर पाल्पेशन करते हैं फिर परकशन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ऑस्कल्टेशन करते हैं, ये नॉर्मल फ्रोमिना होता है, क्लियर। लेकिन वही बात करते हैं हम एब्डोमिन की, तो हम यहाँ पर इंस्पेक्शन फिर ये होता है एब्डोमिन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंस्पेक्शन ऑस्कल्टेशन को आगे ले आते हैं, ऑस्कल्टेशन, पाल्पेशन, देन परकशन, क्लियर। ये तरीका होता है, यहाँ पर किसी को एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का पूछा है तो उस पर इंस्पेक्शन करेंगे, फिर ऑस्कल्टेशन करेंगे, परकशन करेंगे, पाल्पेशन करेंगे, तो करेक्ट आंसर क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर। तो नॉर्मल फिनोमेना क्या है, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन को लास्ट में करते हैं, लेकिन एब्डोमेन होता है उसमें इंस्पेक्शन के बाद किसको करते हैं, ऑस्कल्टेट करते हैं, सुनते हैं, फिर पाल्पेट करते हैं, परकशन करते हैं, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमिनल रीजन कैविटी, एब्डोमिनल रीजन कैविटी के क्वाड्रेंट कितने होते हैं? ए ऑप्शन है राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर अपर क्वाड्रेंट। क्लियर। देन बात करते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। सी ऑप्शन राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। अगर बात करते हैं जो एब्डोमन होता है हमारा, एब्डोमन को हम सपोज दैट एब्डोमन होता है, हम एब्डोमन को हम चार भाग में डिवाइड कर देते हैं। तो ये वाला ये होगा राइट लोअर क्वाड्रेंट, ये होगा राइट अपर क्वाड्रेंट, ये होगा लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, ये होगा लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। हाँ, एग्जाम में इसका सीक्वेंस ही पूछ सकता है कि सीक्वेंस क्या होता है, कि सीक्वेंस किस तरीके से हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले याद रखना राइट लोअर क्वाड्रेंट चेक करेंगे, देन राइट अपर क्वाड्रेंट चेक करेंगे, देन लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट चेक करेंगे, देन लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट करेंगे। ये सीक्वेंस होता है, इस तरीके से हम उसको चेक करते हैं। इसमें नाम पूछे, टोटल नेम फोर होते हैं, राइट अपर क्वाड्रेंट, लोअर लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो इस द करेक्ट आंसर हो गया। तो ये सीक्वेंस होता है, सबसे पहले हम राइट लोअर क्वाड्रेंट को चेक करते हैं। याद रखना सबसे पहले किसको चेक करते हैं, राइट लोअर क्वाड्रेंट को, फिर राइट अपर क्वाड्रेंट को, देन लेफ्ट लोअर अपर क्वाड्रेंट को, देन लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को चेक करते हैं। क्लियर। ये तो हमने बात की किसके बारे में, क्वाड्रेंट के बारे में। देन बात करते हैं हम रीजन, हम फिर वही हम एब्डोमन को डिवाइड कर लेते हैं। सबोदिटी हमारे एब्डोमन है, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये हमने डिवाइड कर लिया। देन बात करते हैं ये वाला एरिया, ये वाला होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ये होता है एपिगैस्ट्रिक रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन। ये होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। देन ये होता है राइट अम्बिलिकल रीजन, राइट लंबर रीजन, लंबर रीजन। ये होता है लेफ्ट लंबर रीजन, लेफ्ट लंबा रीजन। होता है अम्बिलिकल रीजन, अम्बिलिकल रीजन। ये होता है राइट इलियक रीजन, इलियक रीजन। ये होता है लेफ्ट इलियक रीजन। ये होता है हाइपोगैस्ट्रियम, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ये हमने बात किसके रीजन कहते होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में सवाल बनता है, क्योंकि एग्जाम में सवाल बनता है कि कौन से रीजन में पेन हो रहा है। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, देन एपिगैस्ट्रिक रीजन, देन राइट लंबा रीजन, लेफ्ट लंबा रीजन, देन अम्बिलिकल रीजन, देन राइट इलियक रीजन, लेफ्ट इलियक रीजन, देन हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ये होते हैं रीजन, और यहाँ पर होते हैं क्वाड्रेंट, चार क्वाड्रेंट होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आई होप समझ में आ रहा होगा पीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय बाइट ऑफ, डेंगू फीवर किसके बाइट की वजह से फैलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब बात करते हैं ऑप्शन की। ए ऑप्शन है एडीज, बी है एनोफिलीस, सी है कुलेक्स, डी है मैंसोनिया। क्लियर। और बात करते हैं जो मेंसोनिया होता है, क्लियर, उसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है। मेंसोनिया
कि जिससे कौन सी बीमारी होती है उसकी वजह से हम बात करते हैं कौन सी बीमारी होती है। जैसे एनोफिलीज जैसे होता है मलेरिया, फीमेल एनोफिलीज की वजह से कौन सा होता है मलेरिया होता है। देन कोलक्स की वजह से होता है जापान से एनसेफलाइटिस, जापान से एनसेफलाइटिस होता है। देन एडीज की वजह से होता है डेंगू, ये से कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्लियर कि किसकी वजह से क्या होता है, क्लियर। देन हम बात करते हैं मेंसोनिया, मेंसोनिया की वजह से बात करते हैं वो होता है फाइलेरियासिस, फाइलेरियासिस होता है, क्लियर। मेंसोनिया क्या होता है फाइलेरियासिस होता है। तो एडीज की वजह से क्या होता है डेंगू, एनोफिलीज से मलेरिया जो फीमेल एनोफिलीज होता है मॉस्किटो होता है, देन कोलेक्स जापान से एंसेफेलाइटिस, देन मॉनसून फाइलेरियासिस। तो चारों से हमने क्लियर कर लिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है डेंगू फीवर, डेंगू फीवर पूछा है तो एडीज इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। ओके थैंक यू, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और आपको हम वन लाइनर क्वेश्चन जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। और जो क्लास चल रही है आप उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर करें, शेयर करना ना भूलें। ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।